देखिए, आपका ये FIR शुरू किया गया था और FIR में आपका बेयर एक्ट बताया जा रहा था, बैठिए हो, और उस बेयर एक्ट में कई शब्दों को आपका अभी मथा जा रहा था। केस वो आपका कल जो 6-7 केस हैं, बैठिए हो, पीछे बैठ जाए, कहीं बैठिए, कपड़ा ले लीजिए। देखिए, आपका FIR शुरू किया गया था और FIR में शब्दशः चल रहा था, और आज आपका भी शब्दशः चलेगा, और उसी शब्दों में जो आपका कोरिलेशन रहेगा धाराओं का बताया जाएगा, और केस आपका कल और बताया जाएगा। यानी कि 6-7 कम से कम केस भी याद करने पड़ते हैं जो FIR पर आपका महत्वपूर्ण है। तो कौन सा केस महत्वपूर्ण है ये भी देखना है, और आपका प्रावधान भी। तो देखिए, फिर हम बेयर एक्ट शुरू करते हैं, और उसमें जो जो आपका FIR के बारे में प्रावधान किया गया है, यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में फिर हम शुरुआत करते हैं। अभी आपका क्लाज वन हम चल रहे थे, और क्लाज वन का अभी आधा हिस्सा चल रहे थे। पहला हमने बताया, संज्ञेय अपराध किए जाने से संबंधित प्रत्येक इतिला। तो यानी कि हमने ये बताया, कि जो इतिला दी जाएगी, यानी कि जो FIR कराया जाएगा, वह किस अपराध में कराया जाएगा। संज्ञेय यानी कि FIR कॉग्निजेबल ऑफेंस में होता है कि नॉन कॉग्निजेबल में, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, गलत ना हो। तो आपका कॉग्निजेबल यानी कि संज्ञेय अपराध में इसको कोरिलेट भी करते रहना है, कि संज्ञेय अपराध की परिभाषा कहाँ दी गई है, CRPC 2C में। ऐसा अपराध जिसमें कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को वारंट के बिना अरेस्ट कर सकता है। दूसरा, संज्ञेय अपराध की इतिला दी गई हो, और ये इतिला समय की दृष्टि से क्या हो, प्रथम। तो इतिला दिलवाइए भाई आपका। अब ये है कि इतिला दी गई हो यानी कि सूचना दी गई हो, बैठे भाई। अब यहाँ समस्या ये आई कि इतिला किसको दी जाएगी। संज्ञेय अपराध कारित किए जाने की सूचना थाने के भार साधक अधिकारी को दी जाएगी। तो थाने का भार साधक इतला किसको दी जाएगी, थाने के भार साधक अधिकारी को। तो पहले इतिला पर हम बताए थे कि चूंकि संज्ञेय अपराध से या कॉग्निजेबल ऑफेंस से केवल विक्टिम या आहत या पीड़ित ही प्रभावित नहीं होता, तो दूसरा कवर करना है, आहत या विक्टिम या पीड़ित की परिभाषा कहाँ दी गई है। तो पीड़ित की परिभाषा 2WA में दी गई है। तो केवल पीड़ित ही पर प्रभावित या इफेक्टेड नहीं होता, पूरा समाज होता है। अतः समाज का कोई भी व्यक्ति किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना थाने के भार साधक अधिकारी को दे सकता है। यानी कि FIR कौन दर्ज करा सकता है, तो समाज का कोई भी व्यक्ति करा सकता है। क्या पुलिस स्वयं FIR दर्ज कर सकती है कि नहीं, कर सकती है। तो क्या पुलिस स्वयं इंफॉर्मेशन दाता बन सकती है कि नहीं, बन सकती है। तमाम मामलों में पुलिस स्वयं FIR दर्ज करती है। अगला इतिला आपका थाने के भार साधक अधिकारी को देंगे, तो थाने का भार साधक अधिकारी कहाँ परिभाषित है, 2O में परिभाषित है CRPC। अगर थाने के भार साधक अधिकारी से भिन्न किसी अधिकारी को ऐसी सूचना दी गई है और वह दर्ज भी कर लिया है, लॉज कर लिया है, तो ऐसी जो लाज किया है, क्या वह FIR मानी जाएगी कि नहीं,
नहीं मानी जाएगी, क्योंकि सूचना किसको देना है? थाने के भारसाधक अधिकारी या थाना प्रभारी। अगला नियम, जो ऐसी सूचना होनी चाहिए वह समय की दृष्टि से प्रथम हो। आपका इसका मतलब ये हुआ कि एक मामले में सामान्यतः एक ही FIR दर्ज हो सकती है, क्योंकि भाई अगर संज्ञेय अपराध है तो ये संभव है कि अपराध एक हो, सूचनादाता अनेक हो। तो भाई अगर 1000 लोग एक ही अपराध की सूचना देते हैं तो 1000 FIR दर्ज नहीं होगी, बल्कि कितनी होगी? एक होगी। और कौन सी FIR मान्य होगी? जो समय की दृष्टि से क्या हो? प्रथम हो, ये याद रखिए। इसके बाद आपका ये थाने के भारसाधक अधिकारी को सूचना दी गई, तो अब अगला क्वेश्चन कि क्या थाने का भारसाधक अधिकारी FIR लॉज करने के लिए बाउंड है या बाध्य है कि उसका विवेकाधिकार है? तो थाने का भारसाधक अधिकारी यानी कि थानेदार या थाना प्रभारी FIR दर्ज करने के लिए बाध्य है, और ये केस आपका ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ UP में आया। आगे हम बताएंगे कल। ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ UP में आया कि थाने का भारसाधक अधिकारी FIR दर्ज करने के लिए क्या है? बाध्य है। अगर थाने का भारसाधक अधिकारी FIR दर्ज नहीं करता तो ऐसा थाने का भारसाधक अधिकारी दंड का भागी होगा, और आपका पूछा जाता है कि FIR न करने पर थाना प्रभारी IPC की किस धारा के तहत दंड के भागी होंगे? तो IPC की धारा है 166A। भाई याद करके जाएगा कौन सी धारा है, ये भी क्वेश्चन चांस है बनने का पूरा। FIR न दर्ज करना किस धारा में दंडनीय है? तो IPC की धारा 166A में दंडनीय है। अगला नियम आइए, अगला नियम ये है कि जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी थाने के भारसाधक अधिकारी को वह कैसे दी जाएगी? ओरल दी जा सकती है कि रिटेन में दी जा सकती है कि संकेतों द्वारा दी जा सकती है, इशारों द्वारा, और उपर्युक्त सभी पूछ ले, तो क्या मार्क कराएंगे? उपर्युक्त सभी। अभी हम इशारा इत्यादि भी बताएंगे। यानी कि इन्फॉर्मेशन या तो मौखिक दी जाए या लिखित दी जा सकती है। अगर इन्फॉर्मेशन मौखिक दी गई है तो उसको लिखा जाएगा और शब्दशः लिखा जाएगा, यानी कि शब्दों में चेंज नहीं किया जाएगा। जिस भाषा में सूचनादाता अपनी बात बताता है हूबहू उसी भाषा में ही FIR दर्ज की जाएगी, शब्द चेंज नहीं करना है। अगर लिखित दिया गया है फिर भी लिखा जाएगा वो तो अलग बात है, लेकिन मौखिक भी सूचना दी गई है तो उसको लिखा जाएगा। तो पहले मौखिक पर आ जाए, अगर मौखिक सूचना दी गई है तो उसको लिखा जाएगा, और लिखने के बाद सूचनादाता को पढ़कर सुनाया जाएगा। अगर सूचनादाता ये कहता है कि आपने दूसरी बात लिखी है, मैं बोला था दूसरी बात, तो उसी समय FIR में संशोधन किया जा सकता है, बाद में नहीं हो सकता। मैं बता दूं, एक बार जब FIR दर्ज हो गई तो एक शब्द घटा बढ़ा नहीं सकते, भले आप FIR में घटा बढ़ा नहीं सकते। यानी कि क्या FIR में संशोधन या अमेंडमेंट हो सकता है कि नहीं? एक समय हो सकता है जब सूचनादाता मौखिक सूचना दिया है और उस सूचना को लिखा गया, फिर उसको पढ़कर सुनाया गया कि तुमने यही तो बातें बताई है, और सूचनादाता कहता है कि हमने ये नहीं ये बात बताई, या ये बात दरोगा जी आप लिखने में छोड़ दिए हैं,
तो तत्काल संशोधन हो जाएगा, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाएगा तो एफआईआर में कोई चेंजिंग नहीं होती। यानी कि जब एक बार एफआईआर दर्ज हो गई और शब्दशः चूंकि दर्ज होती है तो उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि अन्वेषण के दौरान कोई अन्य अपराध मिले कि ये किया है तो भाई आप चार्जशीट में भेजिए कि ये भी अपराध किया है, लेकिन एफआईआर में संशोधन संभव नहीं है। एफआईआर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, एफआईआर एक लोक दस्तावेज है। अभी हम बताएंगे आगे, पहले क्रम से ही चला जाए। अगर सूचना आपका लिखित में दी गई है तो वही पन्ने पर जो लिखा है आपका उतारा जाएगा। अब अगली समस्या कि एफआईआर कौन दर्ज करेगा, कौन लिखेगा, तो या तो थाने का भारसाधक अधिकारी स्वयं लिखे या थाने के भारसाधक अधिकारी के निर्देश के अधीन कोई अन्य पुलिस अधिकारी भी लिख सकता है। झारखंड में ये क्वेश्चन बना था कि कौन लिखेगा, तो या तो थाने का भारसाधक अधिकारी स्वयं लिखे या उसके डायरेक्शन में कोई अन्य पुलिस अधिकारी भी क्या कर सकता है, लिख सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। जब लिखा जाएगा तो यूपी में किस रजिस्टर पर लिखा जाएगा, तो उस रजिस्टर का नाम है चिक रजिस्टर। तो यूपी में एफआईआर किस रजिस्टर पर लिखा जाता है, चिक रजिस्टर। और जब एफआईआर लिख लिया गया तो उसकी मुख्य मुख्य बातें भी एक दूसरे रजिस्टर पर दर्ज की जाएगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित हो। तो यूपी में कौन सा रजिस्टर राज्य सरकार द्वारा विहित है जिस पर एफआईआर का सार लिखा जाता है, तो वह जनरल डायरी है, जीडी है और पुलिस अधिनियम की धारा 44 में दिया गया है। जनरल डायरी या रोजनामचा आम या स्टेशन डायरी या पुलिस डायरी, भाई स्टेशन डायरी भी कहते हैं, या दैनंदिनी। यानी कि थाने में पल पल की घटनाओं को कौन पकड़ कर लाया गया, कौन सामान आया या क्या माल बरामद हुआ, ये पल पल कौन समन आया, कौन वारंट आया, किसने क्या एफआईआर दर्ज कराई, एनसीआर दर्ज कराई, ये पल पल की घट किसकी ड्यूटी कहाँ लगी, कौन माल खाने में सामान ले आया, कौन आया, कौन ले गया, ये पल पल की घटनाएं किस पर दर्ज होगी। जीडी में बहुत बड़ा रजिस्टर होता है, बहुत बड़ा, या तो मेज लगा रहता है थाने पर और एक मुंशी हेड मुहरीर रहते हैं, वो हमेशा देखे होंगे पेन क्या करते हैं, चलाते रहते हैं। तो भाई एफआईआर का सार कहाँ दर्ज किया जाएगा, यूपी में, जीडी पर। अब अगला ये, एफआईआर जब दर्ज किया जाएगा तो कम से कम कितनी प्रति में दर्ज, कितनी कॉपी में दर्ज होगा, तीन कॉपी में। अब आइए, एफआईआर तीन कॉपी में दर्ज होगा। अब ये समस्या आई, ये कहाँ सीआरपीसी में लिखा है, तो सीआरपीसी में यह नहीं लिखा है, यह आपका उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन 1861 में प्रावधानित है। अब आपका पूछा जाता है कि तीन प्रतियों में लिखा जाएगा तो तीनों क्या होगी, अब सतर्क रहना है, तीनों प्रतियां कहाँ कहाँ जाएगी। तो पिछली बार आपका यूपीएपीओ में आया कि पोस्टमार्टम कितनी प्रतियों में तैयार की जाती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वो भी तीन प्रति में। और हो सकता है आ जाए कि एफआईआर कितनी प्रतियों में, तीन प्रति में, वैसे व्यवहार में चार प्रति में लिखी जाती हैं, एक प्रति सीओ या सर्किल अफसर या क्षेत्र निरीक्षक को भेजी जाती है, जिसे शॉर्टकट में सीआई कहा जाता है, सर्किल इंस्पेक्टर, और व्यवहारिक रूप में सीओ कहा जाता है, सर्किल ऑफिसर भी कहा जाता है। तब तीन प्रतियां लिखी गई तो कहां कहां जाएगी, ये भी हो सकता है पूछ ले। जो प्रथम प्रति होगी ये आपका मजिस्ट्रेट यहां भेजी जाएगी, जो उस मामले में
अधिकारिता रखता हो। तो मूल कॉपी कहाँ जाएगी? मजिस्ट्रेट के यहाँ। जो अभी झारखंड आपका फंसा दिया था क्वेश्चन कि जो सेकंड प्रति होगी वह एफआईआर कराने वाले को यानी कि सूचनादाता को तत्काल और निःशुल्क दी जाएगी। अब झारखंड ने यहाँ क्वेश्चन बनाया कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है और दे दिया, सब कुछ सही था, बस दे दिया दी जा सकेगी, यानी कि क्या लिखा था, दी जा सकेगी, जबकि बेयर एक्ट में क्या लिखा है, दी जाएगी। तो सकेगी का मतलब विवेकाधिकार और दी जाएगी का मतलब बाध्यकारी है। अगर में रहे कहीं भी कानून में रट डालिए, अगर में शब्द रहे इसका मतलब कि वह विवेक है चाहे करे या न करे, और शैल या विल रहे इसका मतलब कि वह कार्य करना क्या है। और देखिए आजकल कंपटीशन में मैं जो बार बार बताता हूँ शब्दों का जाल है, वही शब्द झारखंड ने फंसा दिया कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। अब दी जा सकेगी एक वाक्य में लिख दिया, अब जो गहराई से नहीं पढ़ रहते वो कह रहे हैं कि इसमें तो सभी सही लग रहा है। अरे भाई सभी सही हैं तो एक शब्द तो गलत है, बेयर एक्ट में क्या लिखा है, दी जाएगी, और कंपटीशन के आपका क्या लिखा था, दी जा सकेगी, तो यही ऑप्शन गलत है क्योंकि नियम क्या है, दी जाएगी। किसको दी जाएगी? सूचनादाता को, यानी कि जो व्यक्ति एफआईआर क्या कराया है दर तत्काल और निःशुल्क बिना पैसे लिए, और तीसरी कॉपी थाने के रिकॉर्ड में रहेगी, यानी कि थाने के अभिलेख का क्या होगी, भाग होगी। क्योंकि एफआईआर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, लोक दस्तावेज है, अतः समाज का कोई भी व्यक्ति विहित फीस देकर इसकी सर्टिफाइड कॉपी मांग सकता है, यानी कि आप भी सूचना के अधिकार के तहत मांग सकते हैं, आम आदमी भी, कोई भी व्यक्ति एफआईआर की क्या मांग सकता है, प्रमाणित कॉपी, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये तीन कॉपियाँ व्यवहार में चार प्रति में दर्ज होती हैं, एक उस एरिया के जो सीआई यानी कि क्षेत्र निरीक्षक होते हैं, सर्किल इंस्पेक्टर होते हैं जिसे हम सामान्य भाषा में सीओ कहते हैं, उनको भेजी जाती हैं, लेकिन कानूनन कितनी प्रतियों में, तीन। अब आइए, अब ये जो तीनों प्रतियां हैं, अब अगला क्वेश्चन बना, जब काफी क्वेश्चन बनता है, इन तीनों प्रतियों पर हस्ताक्षर या अंगूठा चिन्ह लगेगा। अब आपका जो अगला क्वेश्चन बने हैं कि एफआईआर पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो दिया है सूचनादाता का, थाने के बाहर साधक अधिकारी का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं, तो आप दोनों मार कर आइए, क्योंकि थाने का भार साधक अधिकारी भी उस पर साइन करेगा और सूचना दाता भी। तो एफआईआर पर किसका हस्ताक्षर होता है या अंगूठा चिन्ह, तो क्या क्या मारेंगे, थाना प्रभारी का भी, और जो एफआईआर क्या कराया है, दर्ज कराया है। इसके बाद थाने की मुद्रा लगी रहती है, यानी कि क्या रहेगी, ठप्पा। अब देखिए आपका एक क्वेश्चन एविडेंस में जाकर बना है, वही क्वेश्चन आपका सतर्क रहना है। एविडेंस में जाकर जो क्वेश्चन बना है कि तीन प्रतियों में एफआईआर दर्ज हुई, एक आपका पहली प्रति पर पेन से लिखा गया और जो दो प्रतियां उतरी हैं वह कार्बन कॉपी से उतरी हैं, कार्बन कॉपी लगा दी गई, कार्बन लगा दिया गया। अब तो भाई लैपटॉप और तमाम चीज़ों से होता है, कोई मतलब नहीं है इसका ज़्यादा, लेकिन पहले कार्बन से ही काम चलता था। और थानेदार और सूचनादाता ने प्रथम प्रति पर साइन किया और वह जो साइन था कार्बन कॉपी पर उतर गया, तो ये जो साइन प्रथम प्रति पर की गई और कार्बन कॉपी द्वारा वह द्वितीय और तीसरी प्रति पर साइन केवल उतर गई, तो न्यायालय ने यह माना कि
कि प्रथम प्रति जो होगी वह प्राथमिक साक्ष्य होगी, प्राइमरी एविडेंस होगी, और जो ये सेकेंड प्रति और थर्ड प्रति है ये आपका सेकेंडरी एविडेंस होगी, यानी कि द्वितीयक साक्ष्य होगा। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चाहते हैं कि तीनों कॉपी मूल दस्तावेज या प्राथमिक साक्ष्य माना जाए तो तीनों पर अलग अलग साइन करना होगा। और नियम भी यही कहता है, जब आप पुलिस एक्ट आगे पढ़ेंगे तो रेगुलेशन में स्पष्ट बताया गया है कि तीनों प्रतियों पर पृथक पृथक क्या करना चाहिए, साइन, यानी कि इस पर अलग साइन किया जाए, दूसरी पर अलग, और तीसरी पर क्या किया जाए, अलग। किसका किसका साइन किया जाए, सूचनादाता और थाने के भार साधक अधिकारी। अगला क्वेश्चन इस पर आइए, यदि सूचनादाता थानेदार का के द्वारा अपेक्षा या आग्रह किए जाने पर भी एफआईआर पर हस्ताक्षर नहीं करता या सूचना पर हस्ताक्षर नहीं करता, यानी कि एफआईआर पर हस्ताक्षर नहीं करता, तो सूचनादाता दंड का भागी होगा। और दंड का भागी किस धारा में होगा, एक और सेक्शन आईपीसी का जुड़ गया 180, यानी कि अगर सूचनादाता एफआईआर पर साइन करने से इनकार करता है तो वह दंड का भागी होगा। और आईपीसी की किस धारा में, 180 में, याद करके जाइएगा। अगर एफआईआर दर्ज कराई गई, एफआईआर फाल्स थी, तो ऐसा सूचनादाता फिर एक दंड का भागी होगा, और एफआईआर फाल्स थी तब की धारा में 211। और अगर सूचनादाता ने सूचना दिया और सूचना ही फर्जी थी, यानी कि एफआईआर भले न दर्ज हुई हो और सूचना क्या निकली, फर्जी, यानी कि मिथ्या सूचना देना, तो दोनों अंतर याद रखे। अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी गई है तो उसके लिए अलग सेक्शन चलेगा, और अगर फॉल्स एफआईआर दर्ज करा दी गई है तो उसके लिए सेक्शन क्या है, अलग। अब दो सेक्शनों पर गौर करना है, आईपीसी में दो सेक्शन, देखिए एक सेक्शन भाई 177 है, मिथ्या इतिला देना, 177 का सेकेंड पैराग्राफ, सेक्शन 177 याद रखिएगा, आईपीसी का सेकेंड पैराग्राफ। अगर आप सूचना देने के लिए बाध्य हैं और आप मिथ्या सूचना पुलिस को देते हैं तो आप दंड के भागी होंगे, की धारा में, तो आईपीसी का सेक्शन 177 में। तो दो धारा एक एक लाइन याद रखे, फॉल्स एफआईआर दर्ज कराना तो किस धारा में सूचनादाता दंडित होगा, आपका 211 में, और अगर आपका फॉल्स इंफॉर्मेशन दे देता है भले एफआईआर अभी दर्ज न हुई हो तो ऐसा सूचनादाता दंड का भागी होगा, आईपीसी की किस धारा में, तो 177 लिखा स्पष्ट। आगे बढ़ा जाए एफआईआर पे भाई, एफआईआर पर आपका तीन प्रति हो गया, साइन भी हो गया, साइन न करने पर 180 याद रखिए, फॉल्स एफआईआर दर्ज करा दिया तो 211 आईपीसी याद रखना है, दरोगा जी नहीं करते एफआईआर तो आपका एक और धारा आईपीसी की 166A, कम से कम इतना भी याद रखिए। अब आइए मुद्रा लगी रहेगी, अब आइए प्रोविजो देखा जाए, आपका ये तो हो गया,
देखिए आपका जो ये परंतु है, फिर एक बार कवर करिए, ये प्रोविजो जो जोड़ा गया, ये क्यों जोड़ा गया, ये 2013 में जोड़ा गया, फिर 2018 में कुछ एमेंड किया गया। अब थोड़ा इसका इतिहास भी देखना है तब परंतु को कवर करना है। देखिए दिल्ली में आपका निर्भया कांड होता है, सभी लोग जानते हैं, 6 अभियुक्त रहते हैं, 1 अभियुक्त अंडर ट्रायल आत्महत्या कर लेता है और 1 अभियुक्त लड़कपन या बालकपन का बचाव ले लेता है, आज भी जिंदा है, और जे एक्ट का बचाव ले लिया और 4 को फांसी पर क्या किया गया, लटका दिया गया है 4 लोगों को। तो पूरे देश में आवाज़ उठी, वी वांट जस्टिस, यानी कि हमें न्याय चाहिए, निर्भया को न्याय दो। ऐसी दशा में अब ये हुआ कि कानून बदला जाए और एक समिति बनी, 1 सदस्य सरकार द्वारा, जस्टिस जेएस वर्मा, यानी कि जस्टिस जेएस वर्मा की समिति बनी। जेएस वर्मा ने कुछ कानून में संशोधन करने की सिफारिश की, तो 2013 में एविडेंस में भी संशोधन हुआ, सीआरपीसी में भी हुआ, आईपीसी में भी हुआ। तो एक क्वेश्चन ये बना है कि 2013 में एपीओ में ही बना है भाई, 2013 में किन किन कानूनों में संशोधन किया गया, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, उपर्युक्त सभी में, तो क्या मारेंगे, उपर्युक्त सभी। किस समिति की सिफारिश पर किया गया, तो आपका जेएस वर्मा समिति की सिफारिश पर, और तमाम बदलाव लाए गए। देखिए आपका निर्भया कांड से जोड़कर जब पढ़ेंगे तो और स्पष्ट बेरेक काम करेगा, मैंने समझ में आएगा। एक तो निर्भया के साथ दरिंदगी हुई थी और वह साफ आवाज में बोलने में असमर्थ थी, तो पहला नियम बनाया गया कि अगर पीड़िता नहीं बोल पाती तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग में आपका घर पर जाकर, अस्पताल में जाकर FIR दर्ज किया जाएगा, पहला नियम। दूसरा नियम, जहां तक संभव हो महिलाओं के प्रति अपराधों में जो FIR दर्ज की जाएगी वह महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही दर्ज किया जाएगा। अगर FIR करता बोलने में असमर्थ है, केवल इशारा या संकेत करता है, तो एक विशेष प्रबोधक या दुभाषिया रखा जाएगा जो उसके हाव भाव को क्या कर सके, समझ सके, और इसकी क्या होगी, वीडियो रिकॉर्डिंग। ये नहीं ऑफलाइन नहीं, ये सब मामला कैसे होगा, यानी कि रिकॉर्डिंग रहेगी ताकि वह रिकॉर्डिंग भविष्य में काम पड़े तो कोर्ट में क्या किया जा सके, पेश। फिर 2018 में आपका इसके पहले फिर कठुआ कांड होता है जम्मू में, और कठुआ कांड के बाद आपका बालकों के प्रति दुराचार के मामले में फिर कानून में बदलाव लाया गया, जैसे यूपी में दरोगा जी पर इल्जाम लग गया कि उसने नाबालिग के साथ दुराचार किया, तो दरोगा जी किस धारा में जाएंगे ये कम से कम याद रखना चाहिए, और बहुत कड़ा सजा है, यानी कि जमानत अब नहीं होगी जल्दी, और पास्को एक से लेकर तमाम कानून लगेंगे, और ऐसी दशा में आपका कुछ दशाओं में तो अब फांसी की सजा तक हो सकती है, स्पष्ट कानून। तो 2018 में कठुआ कांड के बाद आपका फिर कानून में संशोधन किया गया, और बालिकाओं के प्रति जो दुराचार होता था उसमें कानून बदला, और आपका तमाम आईपीसी में धाराएं जोड़ी गई, और आपका सीआरपीसी की धारा 154 में भी संशोधन किया गया। तो अब क्वेश्चन आपका, दो क्वेश्चन यहाँ, 4 क्वेश्चन हम निकाल रहे हैं कि 154 में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है, 2 बार। याद रखिएगा 2013-2018, ये संशोधन कब से लागू हुए ये भी पूछा गया है, तो
तो 2013 का संशोधन कब से लागू हुआ? 3 फरवरी 2013 और 2018 वाला पिछली बार भी पूछा गया था, तो आपका 21 अप्रैल 2018 21 अप्रैल है ना, 21 अप्रैल 2018। अब बेयर एक्ट सही रहेगा भाई, बेयर एक्ट देखिए, प्रोविजो देखिए, परंतु यदि किसी स्त्री द्वारा जिसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 326 है, यानी कि 326 भी, यानी कि एसिड अटैक 326 है या 326 भी, यानी कि एक लाइन में एसिड अटैक के मामले, या 354 यानी कि स्त्री की लज्जा भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल यानी कि असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स का प्रयोग, 354 ए बी सी डी यानी कि स्त्री के विरुद्ध अपराध हैं, अब उतना नहीं भाई पढ़ा सकते, बहुत लंबा चल जाएगा, या 376 ए ए बी बी सी डी डी ए और आपका डी बी या ई या 509, यानी कि कुल मिलाकर इसका मतलब ये हुआ कि जो भी धाराएं दी गई हैं वह ज़्यादातर स्त्रियों से संबंधित हैं। अगर किसी स्त्री के विरुद्ध अपराध किया गया है, या तो लज्जा भंग करने के इरादे से हमला, या कोई शब्द इत्यादि बोल रहे हैं उसकी लज्जा भंग करने के आशय से, या 509 में एकांतता भंग कर रहे हैं, या आप दुराचार किए हैं, या आपका कह सकते हैं इत्यादि, तो ऐसी दशा में ऐसे अपराध के किए जाने या किए जाने का प्रयत्न का अभिकथन किया गया है और कोई इत्तिला दी जाती है, तो ऐसी इत्तिला किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जाएगी, यानी कि महिलाओं से संबंधित मामलों में जो FIR दर्ज किया जाएगा वह पुरुष पुलिस अधिकारी नहीं करेगा, कौन करेगा? महिला पुलिस अधिकारी या महिला अधिकारी, कोई विभाग दूसरे विभाग से महिला अधिकारी को बुलाकर महिला पुलिस न हो तो दर्ज कराइए, वैसे हरेक थाने में अब महिला पुलिस की तैनाती है, तो दरोगा जी के पास गई महिला और दरोगा जी रक्षक थे तो क्या बन गए? तो देखिए पूरा थाना सस्पेंड, FIR हुआ, गए जेल। अब आपको कल हम बताएंगे धारा वारा जोड़ कर भाई, थोड़ा हम भी देख लेंगे। आगे देखिए, ये तो आपका परंतु, फिर दूसरा परंतु क्या कहता है? परंतु यह और कि यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 354 ए बी सी डी 376 इत्यादि के अधीन किसी अपराध के किए जाने या किए जाने का प्रयास किए जाने का भी कथन किया है, अस्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निशक्त है, तो ऐसी इत्तिला किसी पुलिस अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति के जो ऐसे अपराध की रिपोर्ट करने की इप्सा मैंने इच्छा ना है तो लिख लीजिएगा, इप्सा करता है, इच्छा व्यक्त करता है, डिजायर निवास स्थान पर या उस व्यक्ति के विकल्प पर किसी सुगम स्थान पर यथा स्थिति द्विभाषीय या विशेष प्रबोधक की उपस्थिति में अभिलिखित की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई, यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध 354 ए इत्यादि दुराचार, केवल महिलाओं के प्रति अपराधों की धाराएं हैं, यानी कि अगर किसी महिला के प्रति अपराध किया गया, दुराचार हुआ आपका या इत्यादि हुआ, और वह महिला चाहे कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए मानसिक या शारीरिक रूप से क्या है, आपका निर्योग्य हो गई है, तो ऐसी दशा में आपका जो उसकी सूचना लिखी जाएगी, थाने पर बुलाया नहीं जाएगा, या तो अस्पताल में जाइए, उसके घर जाइए, या किसी सुगम स्थान पर, और वहीं उसकी सूचना क्या की जाएगी, दर्ज की जाएगी।
यानी कि घर पर जाकर आप अस्पताल में जाकर FIR क्या करिए दर्ज, ऐसे ही नहीं आ गया। इसके लिए दो केस जिम्मेदार हैं, पहला निर्भया कांड जिम्मेदार है और एक और आपका जो अरुणा शानबाग का मामला है, जो पीड़ित थी, बोल नहीं पाती थी, इच्छा मृत्यु की मांग की थी लेकिन मिला नहीं था। उसका क्या नाम था देखिए, अरुणा शानबाग तो उसकी मित्र थी ना आपका भाई, लेकिन जो पीड़िता थी उसका नाम दूसरा था। अरुणा शानबाग तो वो आपका की थी याचिका कि हमारी सहेली को इच्छा मृत्यु या मर्सी किलिंग या आपका दया मृत्यु दिया जाए, यानी कि आत्महत्या का क्या दिया जाए अधिकार, मिला नहीं वो अलग बात है। और जब ये सब दर्ज होगा FIR तो एक ट्रांसलेटर रखा जाएगा और एक विशेष प्रबोधक। विशेष प्रबोधक इसलिए रखा जाता है कि अगर वह बोलने में असमर्थ है तो भाई इशारा या संकेत द्वारा अपनी बात पीड़िता कहेगी, तो एक ऐसा व्यक्ति हो जो इशारों को क्या कर सके, समझ सके। तो इसके लिए जो लोग आपका बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते हैं, उनके लिए अलग समाचार टीवी में आता है। एक महिला आती है और इशारा करती रहती हैं और वे लोग इशारा क्या करते हैं, समझ जाते हैं, लेकिन वो लोग सुन नहीं पाते तो इशारों द्वारा बातों को क्या करते हैं, समझ लेते हैं। और द्विभाषीय यानी कि अगर किसी अन्य भाषा में दे रहे हैं तो उसको क्या किया जाएगा, वहीं ट्रांसलेट किया जाए। ऐसी इतिला के अभिलेखन की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी, तो वीडियो फिल्म तैयार होगी तो बताया गया कि क्या होगी, ऐसी इतिला रिकॉर्डिंग होगी। और आपका सी पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 164 की उपधारा 5(1)(1) के अधीन किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उस व्यक्ति का कथन यथासंभव शीघ्र अभिलिखित कराएगा, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसी पीड़िता का जल्दी से जल्दी स्टेटमेंट दर्ज कराएंगे। इसी को कहा जाता है 164 का बयान हो गया। 164 का बयान का मतलब पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के यहाँ शपथ पत्र पर ये बयान दिया है कि हमारे साथ ये घटनाएं इन लोगों ने किया है। भाई शपथ पत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है मजिस्ट्रेट के यहाँ। FIR के बाद दूसरी कार्रवाई मेडिकल चेकअप और तीसरी कार्रवाई जल्दी से जल्दी क्या कराइए, बयान। तो मेडिकल चेकअप के लिए तो समय निर्धारित है लेकिन वहीं बयान के लिए नहीं है। यह है कि जल्दी से जल्दी मजिस्ट्रेट का क्या करवाइए, मजिस्ट्रेट के समझ स्टेटमेंट बयान दर्ज करवाइए, आगे बताया जाएगा। 164 उपधारा 2 देखिए, उपधारा 1 के अधीन अभिलिखित इतिला की प्रतिलिपि इतिला देने वाले को तत्काल तथा निःशुल्क दी जाएगी। तो अभी तो बताया गया कि कौन सी प्रति दी जाती है, सेकंड प्रति किसको दी जाती है, इतिला देने वाले यानी कि FIR कराने वाले को तत्काल और निःशुल्क, तो झारखंड ने बनाया दी जा सकेगी कि दी जाएगी यानी कि बाध्यकारी है, पैसा नहीं लिया जाएगा, यह नहीं कि पैसा लेकर दीजिए। और तीसरा खंड है, ये भी पूछा जाता है, अगर थानेदार साहब थाने से आपको भगा दिए तो क्या उपाय हैं, तो आप SP के यहाँ पहुँच जाइए, पुलिस अधीक्षक के पास पहुँच जाइए और पुलिस अधीक्षक अपना काम करेंगे तो कल पहुँचाया जाएगा। थानेदार नहीं दर्ज किए तो कहाँ पहुँचेंगे SP। तो एक धारा और पढ़ कर आइएगा 36। 154 का खंड 3 से एक धारा और जुड़ी है 36, तो कल हम इसको बताएंगे, कल प्रयास करेंगे FIR भाई समाप्त हो जाए, क्योंकि बहुत लंबा नहीं खींचा जा सकता, सिर पर एग्जाम है तो बहुत लंबा एक हफ्ता हम नहीं चला सकते। और जो भी बातें बची हैं साथ